मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वॉरियर अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, एक करंट में न्यूज चल रही है सिंधु जल समझौते से रिलेटेड। एक्चुअल में डियर, सिंधु रिवर है कहाँ पे? तो पहले जब भारत था और पाकिस्तान अलग नहीं था, यानी कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तो बच्चों हमारे यहाँ पे एक सभ्यता भी होती थी जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते थे, और वो सभ्यता पूरी की पूरी इंडस रिवर के किनारे किनारे विकसित हुई थी बच्चों। और बच्चों 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया आज़ाद हुआ, तो बच्चों यहाँ पे टू नेशन थ्योरी आई, यानी कि भारत और पाकिस्तान दो रूपों में भारत आज़ाद हुआ। एक बच्चों बना भारत डोमिनियन स्टेट और दूसरा बना पाकिस्तान डोमिनियन स्टेट। तो बच्चों जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के भी दो हिस्से हमें दिखाई देते हैं, एक तो पूर्वी बांग्लादेश यानी कि जिसको पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था, और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान जो कि अभी का पाकिस्तान है। और आगे चल के बच्चों पूर्वी पाकिस्तान 1971 की लड़ाई में, यानी कि 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा पाकिस्तान से अलग हो गया और नई कंट्री बना जिसका नेम पड़ा बांग्लादेश, और वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान ने पहली गवर्नमेंट बनाई बच्चों। तो बच्चों ये घटनाक्रम तो चलते रहेंगे, लेकिन इन घटनाक्रमों के द्वारा अगर हम देखें कि सिंधु का अभी जो न्यूज़पेपर में हाईलाइट चल रही है सिंधु जल समझौते को लेके, आखिर वो सिंधु जल समझौता था क्या? तो बच्चों जब हम सिंधु नदी की बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के साथ साथ नदियों का भी बंटवारा हुआ। जिस प्रकार जब दो भाइयों का बंटवारा होता है आपस में, तो सारे साजो सामान यानी कि घर के सारे स्ट्रक्चर का बंटवारा होता है, जमीन का बंटवारा होता है, घर के मकानों का बंटवारा होता है, उसी प्रकार जब पाकिस्तान के साथ हमारा बंटवारा हुआ बच्चों, तो हमारा भी पानी का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, मिलिट्री या फिर जो जो सर्विसेज हमारी चलती थी, उन सारी की सारी चीज़ों का भी बंटवारा पाकिस्तान के साथ हुआ। और बच्चों इसी बंटवारे के क्रम में एक फैसला और हुआ जो कि करीब करीब 1960 में उसको फुलफिल किया गया, यानी कि 1960 में इधर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे, और पाकिस्तान की साइड से अयूब खान, मिस्टर अयूब खान जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे, और दोनों के बीच में बच्चों 1960 को सिंधु रिवर को लेके फैसला हुआ। एक्चुअल में बच्चों ये फैसला भी एक दिन में नहीं हुआ, यानी कि इस फैसले को सिरे चढ़ाने के लिए करीब करीब 9 से 10 साल तक रेगुलर मीटिंगें होती रही, और उसके बाद 1960 में इसे अंतिम रूप दिया गया, यानी कि इसका लास्ट जो फैसला आया वो 1960 में आया। अब बच्चों हम मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं कि मैप के अकॉर्डिंग सिंधु रिवर कहाँ पे है और कहाँ पे ये फैसला है और किस प्रकार ये फैसला लागू हुआ, और अब इस फैसले को लेके कौन सी ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तनावपूर्वक या खराब दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों पहले हम बात करते हैं सिंधु रिवर की, कि सिंधु रिवर है कहाँ पे। तो जब हम मैप में चलते हैं बच्चों, तो सिंधु रिवर एक्चुअल में बच्चों कहाँ से निकलती है? एक्चुअल में अगर इसकी बात की जाए तो सिंधु रिवर बच्चों तिब्बत के एरिया से निकलती है, और ये तिब्बत से होते हुए हमारे जास्कर रेंज से होते हुए, लद्दाख रेंज जास्कर रेंज से होते हुए ये आगे बच्चों पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है। और जब पाकिस्तान में सिंधु रिवर एंट्री करती है तो बच्चों सिंधु की सहायक नदियां हैं, यानी कि सिंधु के साथ पांच और सहायक नदियां हैं इसकी, जिस प्रकार झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो बच्चों पांच और नदियां भी हमें इसके साथ दिखाई देती है, कुल ये छह नदी है, छह रिवर्स है। अब बच्चों सिंधु का जब समझौता हुआ तो बच्चों हमारी जो ट्रीटी हुई, यानी कि अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनके बीच में ट्रीटी हुई, तो उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग बच्चों जो पानी का बंटवारा हुआ उसमें यह फैसला लिया गया कि इन नदियों को दो हिस्सों में बांट दिया गया, इंडस यानी कि सिंधु, झेलम और चेनाब, ये तीन रिवर कहलाई बच्चों वेस्टर्न रिवर, यानी कि पश्चिमी वेस्टर्न रिवर, वेस्ट साइड की। और बच्चों आगे चल के जो तीन रिवर हमारे साइड रही, यानी कि रावी, व्यास और सतलज, ये कहलाई बच्चों ईस्ट साइड की रिवर, यानी कि पूर्वी नदियां। अब देखो बच्चों तीन नदियां पश्चिमी नदियां और तीन नदियां पूर्वी नदियां। अब बच्चों जो पश्चिमी नदी थी उनके अंदर जो सालाना वाटर की मात्रा होती है, यानी कि जो पूरे साल पानी बहता रहता है, उसकी करीब करीब मात्रा 133 क्यूसिक घन मीटर है, यानी कि एमएफ। अब बच्चों जो पूर्वी साइड की नदियां हैं यहां पे वाटर की मात्रा करीब करीब
35। अब देखो हमारे साइड जो नदियां आई उनमें सालाना पानी कितना बहता है, 35। और जो पाकिस्तान के साथ बहाव है वो 133 MAF, जो कि हम इसकी यूनिट लेते हैं, घन मीटर की यूनिट लेते हैं वाटर की, वो यूनिट हमें दिखाई देती है, या फिर आप बोल सकते हो शॉर्ट में MAF। अब बच्चों यहां पे 133 सालाना वाटर रहता है और यहां पे 35 सालाना वाटर रहता है। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि जिस ईयर बारिश अच्छी होती है तो यहां पे पानी की सालाना मात्रा प्लस 2 और हो जाती है, यानी कि यहां पे सालाना मात्रा चली जाती है 135 तक, 135 MAF तक। बट यहां पे बच्चों मात्रा कम हो जाती है, यानी कि यहां पे माइनस हो जाता है 2 और 33 MAF तक। अब बच्चों जब 1960 में समझौता हुआ तो समझौते के अकॉर्डिंग यह बात बोली गई कि जो पूर्वी नदियां हैं उनका पूरा का पूरा पानी भारत यूज कर सकता है, यानी कि रावी, व्यास और सतलज, इन तीनों नदियों का पानी भारत पूरी तरह यूज कर सकता है। बट बच्चों जो वेस्टर्न रिवर थी, यानी कि पश्चिमी साइड की रिवर थी, सिंधु, झेलम और चेनाब, इन नदियों का सिर्फ और सिर्फ 20% पानी, ओनली 20% वाटर भारत अपनी कृषि से संबंधित जरूरतें, पीने के पानी के लिए, या फिर यानी कि आप यह समझो कि 20% वाटर को यूज कर सकता था भारत, और बाकी का 80% वाटर कौन यूज करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा। तो बच्चों 1960 के समझौते को अगर देखा जाए तो समझौता हमें यह दिखाई देता है कि भाई समझौता सही नहीं था, क्योंकि हमें अगर इस 20% को मिला लिया जाए और इस 33 को किया जाए तो टोटल पानी कितना मिला, 53 MAF, और पाकिस्तान की साइड कितना गया, 80 MAF। तो बच्चों जब 1960 में समझौता हुआ तब भी यह समझौता सही नहीं था। बट बच्चों प्रॉब्लम अब कहां पे आई, प्रॉब्लम अब आई कि अब आज के टाइम में एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड, पन बिजली योजना से रिलेटेड हमें पानी की बहुत बड़ी मात्रा में जरूरत है। और बच्चों हमने कश्मीर में किसन गंगा परियोजना बनाई, कहां पे, एक्चुअल में किसन गंगा परियोजना हमने बनाई झेलम रिवर के ऊपर, और इसी के साथ चेनाब रिवर के ऊपर हमने रतले परियोजना बनाई। बच्चों दो परियोजनाओं के नेम याद रखना आप, एक तो किशन गंगा और दूसरी रतले। बच्चों चेनाब रिवर पे है और किशन गंगा झेलम के ऊपर है। अब बच्चों जब दोनों परियोजनाएं बनाई गई तो पाकिस्तान ने इन परियोजनाओं को चुनौती दे दी कि भारत क्या कर रहा है, जो समझौता 1960 में हुआ था उस समझौते का उल्लंघन कर रहा है। बट बच्चों समझौते में क्या लिखा गया था कि 20% वाटर रिसोर्सेज का भारत यूज कर सकता है अपनी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जरूरतों को पूरा करने के लिए, पन बिजली बनाने के लिए, या फिर किसी और काम के लिए, यानी कि पीने के पानी के लिए भी यूज कर सकता है। बट बच्चों प्रॉब्लम यहां पे आई कि जब भारत ने इन परियोजनाओं को बनाना चाहा तो पाकिस्तान इस मामले को ले गया वर्ल्ड बैंक में, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से हमें क्या मिला था बच्चों, इन परियोजनाओं को लगाने के लिए लोन यानी कि कर्ज मिला था। अब वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के दबाव में आके ये मान लिया कि इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए और इस मामले को आर्बिट्रेशन कोर्ट में भेज दिया। अब बच्चों भारत ने हमेशा विरोध किया है कि ये जो मामले हैं ये द्विपक्षीय मामले हैं, दो देशों के मामले हैं, और इनके अंदर वर्ल्ड बैंक को या आर्बिट्रेशन कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संधि के, ट्रीटी के अकॉर्डिंग मामला था, और ट्रीटी के अकॉर्डिंग मामला है तो हम दोनों बैठ के फैसला करेंगे। दूसरा बच्चों आर्बिट्रेशन कोर्ट में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे दोनों देशों की सुनवाई एक समय हो सके, यानी कि अगर वहां पे सुनवाई होगी तो या तो पहले पाकिस्तान की होगी या पहले भारत की होगी। अब बच्चों जब तक दोनों कंट्री एक मंच पे नहीं बैठेगी तो रियल प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा, और भारत भी अपनी बातों को नहीं रख पाएगा, या पाकिस्तान जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है भारत उसे अच्छे से डिफेंस नहीं कर पाएगा। तो बच्चों भारत ने कहा कि आर्बिट्रेशन कोर्ट का कोई मामला यहां पे नहीं बनता, तो इसी के अकॉर्डिंग बच्चों भारत ने
पाकिस्तान को 2017 से 2017 से लगातार जो पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्त यानी कि जो ऑफिसर है उनको बार बार लेटर लिखा कि भाई आप जो हमारी रतले और किशनगंगा परियोजना लग रही है, दूसरा जो वाटर के रिसोर्सेज है उसको लेके मीटिंग की जाए। बट बच्चों 2017 से लेके 2022 तक पाकिस्तान ने हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया और वो हर बार आनाकानी करता रहा, यानी कि वो मीटिंग में उपस्थित ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से भारत के सिंधु जल आयुक्त यानी कि देखो बच्चों एक ऑफिसर हमारी साइड है सिंधु रिवर का, दूसरा ऑफिसर पाकिस्तान की साइड है, तो सिंधु जल आयुक्त ने बच्चों एक नोटिस भेज दिया और इस नोटिस के अकॉर्डिंग पाकिस्तान को 90 दिन के अंदर इस नोटिस का जवाब देना है। यानी कि 90 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान को इस नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। तो बच्चों सिंधु जल समझौता क्या था, मैंने आपको बता दिया कि सिंधु जल समझौते के अकॉर्डिंग जो पश्चिमी नदियां हैं उनमें वाटर पानी की मात्रा ज्यादा है और पूर्वी नदियां हैं उनमें पानी की मात्रा ज्यादा है। बट बच्चों अभी जो हमारा पॉपुलेशन का दबाव बढ़ रहा है, दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर पे हमारे प्रेशर आ रहा है, और तीसरा हमें ग्रीन एनर्जी भी चाहिए, और अगर आपको हरित एनर्जी चाहिए, हरित ऊर्जा चाहिए, तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, पनबिजली बनाना पड़ेगा, पानी से बनाना पड़ेगा, या पवन चक्कियां लगानी पड़ेगी, या फिर आप क्या करो, सीधी सी बात है कि सौर ऊर्जा, सौर पैनल लगाओ, सौर ऊर्जा बनाओ। तो इस प्रकार हमें इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमने क्या कहा कि हमने कहा कि रतले और किशनगंगा परियोजना लगाते हैं जिससे हम कश्मीर में और दूसरा हिमाचल प्रदेश या नीचे पंजाब साइड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सके। तो बच्चों इस योजना को जो हमारी किशनगंगा और रतले परियोजना लग रही है इसको पाकिस्तान ने चुनौती दे दी और पाकिस्तान ने कहा कि ये भारत एक तरफा डिस्प्यूट पैदा कर रहा है। तो बच्चों ये था सिंधु के ऊपर जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम चल रही है। तो आपको ध्यान रखना है सिंधु का बच्चों इम्पोर्टेंस क्यों है, तो सिंधु के बहुत से इम्पोर्टेंस है। एक तो बच्चों सिंधु का अगर हम चर्चा करें तो हमारी जो पहली सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हम डेवलप्ड सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, हरप्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं और ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, उसके जितने भी बड़े नगर हुए वो इसी सिंधु नदी के किनारे किनारे हुए। दूसरा बच्चों इस पानी से यानी कि जो सिंधु रिवर में पानी जा रहा है, इस पानी का हम हमारे हरियाणा पंजाब राजस्थान यानी कि अगर इस पानी का यूज किया जाए और राजस्थान साइड लाया जाए तो राजस्थान में जो सूखा है उसको खत्म किया जा सकता है या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर का रकबा बढ़ाया जा सकता है। तो बच्चों अगर समझौता होता है तो दोनों कंट्री को अगर इक्वल पानी मिलता है, इक्वल वाटर मिलता है, तो हमें इस 80 में से 20% वाटर और मिल जाएगा, यानी कि 20% पानी का यूज हम और कर पाएंगे और हमारे पास यहाँ पे जो पानी की मात्रा रहेगी वो 73 MAF हो जाएगी। और अगर 73 MAF पानी की मात्रा हो जाती है बच्चों तो फिर हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को बड़े लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, इरिगेशन बढ़ा सकते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में वाटर रिसोर्सेज बढ़ा सकते हैं, दूसरा जो पीने की प्रॉब्लम चल रही है, पीने के पानी की प्रॉब्लम चल रही है, उसका भी सॉल्यूशन कर पाएंगे। जय हिंद जय भारत बच्चों, आज का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था और इसको आप ध्यान से कवर कीजिएगा।